मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हमारे पास 4G एग्जॉस्ट आई है, सेमी ऑटो सेमी एग्जॉस्ट 4G वाली, जिसमें राड बुश होते हैं, बेरिंग नहीं होते। ये राड बुश वाली है, उसकी स्टैम्पिंग या ये वाली स्टैम्पिंग, ये स्टैम्पिंग 1.5 इंची के लगभग है और मैंने इसका साइज़ निकाल लिया हूँ। 104 में 2 बार और 106 में 3 बार आएगा, तो 2 बार 3 बार इसकी स्टैम्पिंग है। 106 104 इसकी स्टैम्पिंग है। और ये सादा लेग पे कसी होती है, जो 8 नंबर के बोल्ट होते हैं। 4 लेग लगेगी, 1 2 3 4 चार लेग पे ये लगेगी। 8 नंबर के बोल्ट हैं और ये इसका एक कवर है, तो आप देख सकते हैं। ये वाली मोटर है राड बुश वाली, इसको हम ओरिजिनल डेटा में रिवाइंड करेंगे। आज हम इसको ओरिजिनल डेटा में रिवाइंड करेंगे, जो कि एल्युमिनियम है 26/28। आप वीडियो में बने रहें, आपको इसका पूरा डेटा बताया जाएगा। ये हम एल्युमिनियम 26 नंबर लगा रहे हैं, SWG 26 है और ये एल्युमिनियम वायर है जो हम इसमें लगाएंगे 4G सेमी एग्जॉस्ट में। और मैंने इसका थर्मल लगाया है। ये मोटर हमने आधी कंप्लीट कर ली है, इसके 3 रनिंग कॉइल हम डाल चुके हैं और ये इसकी 4थी कॉइल, यानी 4th कॉइल रनिंग बाकी है, जो अभी हम डालेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम इसको कंप्लीट करके आपको बताएंगे। ये हमने रनिंग इसकी कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग। अब इसमें हम ये कॉटन टेप लगाएंगे सेफ्टी के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे हम कॉटन टेप लगाएंगे, इसकी भी ये वाली कॉटन टेप इसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसको कवर कर देंगे रनिंग को, ताकि रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो। आप देख सकते हैं ये हमारी रनिंग कंप्लीट हो गई है और हमने इस पर टेपिंग भी मार दी है। टेपिंग जब भी करें तो यूं कट लगा लें, कट लाने के बाद टेपिंग करें। आप देख सकते हैं फिनिशिंग। मैं इसमें स्टार्टिंग डालूंगा 28 नंबर। इसका स्टैंडर्ड वायर गेज एल्युमिनियम 28 है, 1 बार और 3 बार, 4 में 1 बार आएगा और 6 में 3 बार आएगा। तो आप वीडियो में बने रहे, आप पूरा डाटा आपको लास्ट तक बताएंगे। ये हमारी मोटर हमने कंप्लीट कर ली है, रनिंग स्टार्टिंग सब हमने कंप्लीट हो गए हमारी। अब इसमें हम टेपिंग करेंगे, टेपिंग करने की वीडियो हम डालेंगे, वो भी बनाते हैं और टेपिंग करते हुए आपको दिखाएंगे कैसे होती है टेपिंग और कंप्लीट कनेक्शन वगैरह सब आपको बताएंगे इसी वीडियो में। ये हमारी मोटर कंप्लीट कर ली हमने, देख सकते हैं आप। रनिंग स्टार्टिंग सब कंप्लीट है, आप बकायदा देख सकते हैं। ये कंडेंसर का और ये मेन लाइन, ये वाली हमने 2 मेन लाइन निकाल दिए और ये कंडेंसर का निकाल दिए और हमने इसकी टेपिंग वगैरह भी कंप्लीट कर दिए और अब इसको हम इसमें फिट करेंगे। इसको हम फिट करके कंप्लीट करके आपको चला के वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे।